ऑलराइट गाइस, सो अब तक हमने पीएचपी में काफ़ी चीज़ें देखी। मैंने यहाँ पर अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको चालू कर दिया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पीएचपी में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। हमने डेट फंक्शन तक देखा था, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एसोसिएटिव एरेज के बारे में पीएचपी में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक फ़ाइल यहाँ पर बना लूँगा, और यहाँ पर मैं 18 अंडरस्कोर एरेज करके डॉट पी एच पी करके एक फाइल बना लूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क पी एच पी इस तरह से, और इस तरह से जो पी एच पी का सिंटेक्स होता है हमारा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और ऑब्वियसली मैं अपना जैम्प स्टार्ट करूँगा, तो मैंने लगता है 2 बार जैम्प अपना चालू कर लिया। कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 बार चालू करें और अपाचे को जो है स्टार्ट कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो ये वाला लिंक है ये काम करने लग जाएगा जो कि आपने पहले बुक मार्क किया था, लोकल होस्ट जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस एसोसिएटिव एरेज वाली फाइल को खोलूँगा, और यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमें हमेशा की तरह मैं लिखता हूँ वेलकम टू एसोसिएटिव अरेज इन पीएचपी, और उसके बाद मैं यहाँ पर सेमी कोलन लगाकर इसको रिलोड करूँगा, और यहाँ पर देखो ये लिख कर आ गया। ये मैं इसलिए करता हूँ जस्ट टू टेस्ट कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है मैं ये नहीं लिखूँ तब तो भी काम चल जाएगा और मैं डीबग कर पाऊँगा, बट मैं सिर्फ आप लोगों को एक तरह से राय देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ही देख लो सब चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं, ताकि आप आगे जाके कुछ चेंजेस करो तो एक चीज़ की एश्योरिटी आप लोगों को रह जाए कि जो भी चेंज आप लोगों ने किया है उसकी वजह से एरर नहीं आया है। एक बार जल्दी से मैं यहाँ पर पीएचपी के अंदर एरे क्या होता है इसको एक बार और आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं जल्दी से एक यहाँ पर मैं ARR ही लिखता हूँ सिर्फ, और यहाँ पर एरे बना लेता हूँ, और एरे बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस, और उसके बाद लिखता हूँ दैट, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ वॉट, और यहाँ पर मैंने दिस दैट वॉट नाम से एक एरे बना लिया। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम एको करेंगे ARR 0 तो हमको मिलेगा दिस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिस मिल गया यहाँ पर। फिर वापस से मैं करूँगा तो दैट मिलेगा, फिर व्हाट मिलेगा, अगर मैंने 1 और 2 कर दिया तो 1, और यहाँ पर मैं इसको 2 करूँगा तो मुझे दैट और व्हाट भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली मैंने BR नहीं लगाया है तो दिस दैट व्हाट जो है चुपके चुपके मिलेंगे मुझे इस तरह से, दिस और ये देखो दैट और ये देखो व्हाट। लेकिन यहाँ पर आप लोग बस ये देख लो कि 0 1 2 से क्या होता है कि ये जो आपके एरेज की इंडेसेस हैं वो वापस से प्रिंट हो जाती है। अगर बाय एनी चांस मैंने 3 कर दिया इसको तो ये गलती होगी, और इस गलती की सज़ा आप लोगों को पीएचपी देगा, कहेगा कि भाई अनडिफाइंड ऑफसेट 3 इन आपका जो फाइल का नाम है उसमें। तो ये हमारे बेसिक एरेज थे, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको जस्ट कमेंट आउट कर दूंगा, और सेव करने के बाद हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर जिसका नाम है एसोसिएटिव एरेज। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो हम जितने भी लोग हैं सबकी हम लोग देखना चाहते हैं कौन सा फेवरेट कलर है। तो मान लो मैंने फैव कॉल नाम से एक एरे बनाना है, और मैं चाहता हूँ कि सबका फेवरेट कलर जो है इसमें आ जाए, जैसे कि हैरी का आ जाए, रोहन का आ जाए, शुभम का आ जाए, वत्सल का आ जाए, सबका आ जाए, ठीक है। तो अगर हम कुछ इस तरह से करना चाहते हैं तो हम एक एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं। अब अगर मैं कुछ इस तरह से सिर्फ कलर लिख दूँ रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ पर ये किसके फेवरेट कलर्स हैं ये हम जो है ये बिल्कुल भी हमको जो है ऐसे सही नहीं लगेगा अगर हम ऐसे करेंगे तो, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड वे टू स्टोर वैल्यूज़, की वैल्यू पेयर्स अगर हमें स्टोर करनी है, कि जैसे रोहन का रेड कलर है, हैरी का ब्लू कलर है, शुभम का ब्राउन कलर है फेवरेट, तो हम एसोसिएट करना चाहते हैं कीज़ को वैल्यू से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, और जिस तरह से हम सिर्फ वैल्यूज़ को डालते थे उस वो ना करके हम अब क्या करेंगे, वो ना करके अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे कीज़ को वैल्यू के साथ। जैसे कि मान लो मैं शुभम को एसोसिएट करना चाहता हूँ इस तरह से, शुभम को मैं एसोसिएट करना चाहता हूँ किस चीज़ से, मैं शुभम को एसोसिएट करना चाहता हूँ रेड से, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं रोहन को एसोसिएट करना चाहता हूँ किससे, ग्रीन से, और मैं हैरी को एसोसिएट करना चाहता हूँ किससे, मान लो रेड से, ठीक है। तो कॉमन लगा के एंटर मारूंगा, और आप लोग यहाँ पर देखो सिंटेक्स समझो, मैं यहाँ पर हैरी लिखूंगा और इस तरह से मैं लिख दूंगा रेड, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया एक एसोसिएटिव एरे, और मैंने यहाँ पर क्या कह दिया है, सिंपली मैंने ये कह दिया कि भाई जो शुभम था वो रेड है, जो रोहन था इस एरे के अंदर वो ग्रीन, जो हैरी था उसको हमने रेड वैल्यू जो है असाइन कर दी। तो इस तरह से मैं जो है एरे को बना सकता हूँ। अब अगेन मैंने इसको यहाँ पर एंटर मार के ऐसे कर दिया, आप लोग इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, तो ये जो है आपकी क्या कहते हैं मर्जी रहेगी आप किस तरह से इसको लिखना चाहते हैं। लेकिन जब जो आपका एसोसिएटिव एरे है वो बहुत लंबा खिंच जाता है एक ही लाइन में, तो इट्स अ गुड आइडिया कि 2 वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर्स के बाद आप लोग इस तरह से करके इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये आपको एक बार में यहाँ पर ऐसे समझ में आता है कि भाई हाँ किसकी की क्या वैल्यू है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस कलर को चेंज कर देता हूँ।
अब इन वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करें, ये एक अच्छा सवाल है। इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा एको, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा फैब कॉल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या हैरी। अगर मैंने लिखा तो मुझे यहाँ पर ब्राउन मिलने वाला है, तो मैं इसको रिलोड करूँ तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पर ब्राउन मिलने वाला है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इसको रोहन कर देता या फिर मैं एक काम करता हूँ कंट्रोल डी लगा के रोहन लिखता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बी आर बी कर देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं रोहन करता हूँ, तो आप लोग देखो इसको मैं रिलोड करूँगा, ये देखो रोहन का जो फेवरेट कलर था वो आ गया जो कि ग्रीन है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज़ को यहाँ पर एसोसिएटिव एरे के अंदर डाल सकता हूँ, तो की रहेगी और वैल्यू रहेगी। अब एक सवाल बनता है आप लोगों का कि क्या अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू डालता एट करके और वो स्ट्रिंग नहीं होती तो क्या मेरा ये एरर थ्रो करता या फिर जो है ये मुझे प्रिंट करके दे देता दिस। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं मुझे कि क्या होगा अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा। इन द मीन टाइम मैं क्या करता हूँ कंट्रोल डी लगा के बी आर को यहाँ लगा लेता हूँ ताकि हमको जो है स्पेस देखने को मिले। तो नीचे सब लोग कमेंट में लिखो क्या होगा। ओके सो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होगा। तो जब हम 8 को दिस से एसोसिएट करेंगे तो दिस मेरा जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जो हमारी एरे की एसोसिएटिव एरेज की जो कीज़ है उनमें इंटीजर भी हो सकता है, तो 8 भी एक वैलिड जो हमारी की है वो है, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लूप थ्रू कर सकते हैं अपने एसोसिएटिव एरेज के थ्रू। तो अगर हम लोग लूप करना चाहते हैं अपने एसोसिएटिव एरेज के ऊपर तो कैसे करेंगे, तो मैं जो सारे एको स्टेटमेंट हैं इनको हटा देता हूँ, और जैसे मैं इन सारे एको स्टेटमेंट्स को हटाऊंगा आप लोग देखो यहाँ पर सिर्फ वेलकम टू एसोसिएटिव एरेज इन पीएचपी आ गया है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मैंने फैब कॉल नाम का एरे बनाया, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, और फॉर लूप नहीं लगाऊंगा मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फॉर ईच, और एक थोड़ा सा वेरिएशन है फॉर ईच का, यहाँ पर आप लोग देखो वेरिएबल एज की वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर, यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ मेरी क्या है ये बेसिकली, अगर मैं इस वेरिएबल को मैं जिसको करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर लिख दूंगा फैब कॉल, ठीक है। टैप दबाऊंगा, की वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एको फेवरेट कलर ऑफ डॉलर की इज डॉलर वैल्यू, ठीक है। मैं इस तरह से लिख दूंगा और एक बी आर भी लगा दूंगा, ठीक है। एक बी आर में स्टार्टिंग में अगर लगाऊँ ना तो क्या होगा कि मेरे इसके बाद भी एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको अभी रिलोड करूँगा तो आप लोग देखो फेवरेट कलर शुभम इज़ रेड, रोहन इज़ ग्रीन, हैरी इज़ ब्राउन और एट इज़ दिस, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, इन सारे जो वैल्यूज़ थी मेरी इस एरे के अंदर उनको इटरेट किया, और इटरेट करने के बाद क्या किया इन्होंने कि की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू इनको मुझे प्रिंट करके दिया। तो जब मैंने लिखा यहाँ पर फॉर ईच और उसके बाद लिखा फैब कॉल एज की वैल्यू, तो हुआ क्या, जो की थी मेरी वो था यहाँ पर नेम, तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा जो भी मेरा यहाँ पर नेम है, और जो मेरी वैल्यू थी वो था यहाँ पर कलर, तो ये जो इसका वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। कब तक प्रिंट होता रहेगा ये, जब तक हमारे एरेस की सारी एंट्रीज़ ख़त्म ना हो जाए, यानी कि वो सारे एरे के आइटम्स को लूप थ्रू करना फिनिश अप ना कर दे तब तक ये एरे मेरा इस तरह से होता रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आप लोग जो है ये फॉर ईच लूप जो हमने देखा था उससे कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। हमने पहले क्या किया था, फॉर ईच लूप्स को यूज़ किया था वीडियो नंबर 15 में एक एरे को जो कि एसोसिएटिव एरे नहीं है, उसको न्यूमेरिक एरे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिखना चाहता हूँ, इसको न्यूमेरिक एरे बोलते हैं। न्यूमेरिक एरे इसको क्यों बोलते हैं, न्यूमेरिक एरे इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी इंडेक्स होती है, इसको इंडेक्स्ड एरेज भी बोला जाता है। तो इंडेक्स्ड एरे कह लो न्यूमेरिक एरे कह लो बात वही है। क्यों न्यूमेरिक, क्योंकि इसकी जो कीज़ होती हैं वो नंबर्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन इस केस में हमारा ये जो एसोसिएटिव एरेज है इसकी कीज़ क्या होती हैं, इसकी कीज़ हमारे पास होती हैं जो भी हम देना चाहें, यानी कि कुछ भी हम दे सकते हैं। हमने स्ट्रिंग यहाँ पर देके देखी, तो यहाँ पर हम लोग जो है फॉर ईच लूप्स को पहले यूज़ कर रहे थे फॉर ईच एरे एज वैल्यू करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एसोसिएटिव एरेज के केस में देखा कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से की वैल्यू पेयर्स को भी लेकर इसको लूप थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सो गाइस, यहाँ पर ये था हमारा एसोसिएटिव एरेज के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, दीज आर कॉल्ड इंडेक्स्ड एरेज, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है।
कि इंडेक्स एरेज होते हैं ये, और ये एसोसिएटिव एरेज हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट आर, या ठीक है यार, मैंने यहाँ पर जिस हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंडेक्स एरेज के बारे में एक बार और बताया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने के बाद आप लोगों को एसोसिएटिव एरेज के बारे में बताया, उसकी वैल्यू उसको प्रिंट करके दिखाया। तो ये जो फॉर ईच है उसको मैं नीचे रख देता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ आप लोगों को बाद में बताई थी। और शिफ्ट टैब आप दबाओगे तो इंडेंट आप लोग जो है आगे पीछे कर सकते हो, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किस केस में, क्योंकि हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग प्लीज़ जल्दी से एक्सेस कर लो, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे जिसमें लोग बोलते हैं कि डेट्स बता दो, ये बता दो, डेटा टाइप बता दो, वेरिएबल्स बता दो, और मुझे हर एक कमेंट को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लीज़ ये लिंक एक्सेस करें, प्लेलिस्ट बना रखी है। इसलिए मैं हर वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ इस बात को कि आप लोग बुकमार्क करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, इसको एक्सेस कर लें। अगर आपने बुकमार्क अभी भी नहीं करी है तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे किसी भी वीडियो को। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर लें, ताकि ये जो कोर्स है वो आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें। सो अभी के लिए गाइज इस वीडियो में इतना है, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ये कोर्स अब तक कैसा जा रहा है, फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, सही पेस जा रहा है, मुझे बताएं नीचे कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ को मैं उसी हिसाब से स्ट्रक्चर कर लूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।